हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ बिजनेस ट्रेड गेम, जो कि है एक क्लासिकल गेम्स। तो मैं इसको खोलता हूँ और यहाँ पे मुझे एक बोर्ड गेम दिखता है। तो मैं इसमें आपको पूरा बताऊँगा कि इस बोर्ड गेम को यूज़ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड गेम को खोल लेते हैं। तो दोस्तों, ये थोड़ा सा लूडो और बिजनेस का मिक्सड गेम है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 4 शॉप्स दिख रही होंगी, जिसमें यहाँ पर एक ग्रोसरी है, एसेसरीज़ है और टॉयज और बेकरी है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सब नीचे दिखता हूँ मैं। दोस्तों, मुझे यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ मिलती है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिखते हैं कुछ टोकन जो कार्डबोर्ड के बने हुए हैं, उनके पर कॉपीज और ड्राइंग्स बनी हुई हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक डाइस और टोकन है। तो दोस्तों, सबसे पहले करना कुछ ऐसा है कि ये सारे आपको सेम टू सेम इसके ऊपर लगाना है, जिसके मैं आपको एक लगा के दिखा दूँ। ये समझिए, मेरे पास यहाँ पे एक केक है अलग टाइप का, तो इसको यहाँ पर रख देता हूँ एकदम। फिर समझे, आपको यहाँ पे कुछ मिनिमम 2 प्लेयर्स खेल सकते हैं और मैक्सिमम 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं। दोस्तों, जैसे समझो मैं यहाँ पे डाइसेस ले लेता हूँ। तो दोस्तों, मेरे यहाँ पे इसके आप देख सकते हैं, हर एक शॉप पे आपको 3 बास्केट दिख रही होंगी, 1, 2 और 3 बास्केट्स हैं हर एक शॉप पे। और हर एक शॉप के साथ में पे 20 रुपीज़ टू बैंक है, जो कि ये है पे 20 रुपीज़ टू बैंक हर एक शॉप के पास है। दोस्तों, सबसे पहले करना कुछ है कि आपको अपना फेवरेट कलर ले लेना है, और एक आपको अपना एक कोई शॉप ले लेनी है। जैसे कि मैं जहाँ पे बेकरी ले रहा हूँ, मेरा फेवरेट कलर है रेड है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर डाइस चलता हूँ। तो यहाँ पे मेरे 5 आए हैं, तो यहाँ पे मैं 5 चलूँगा। तो दोस्तों, मेरा 5 थोड़ी यहाँ पे आया है। तो जैसे ही समझे, यहाँ पे टू बैंक आया, तो मुझे यहाँ पे करना है बैंक को। समझे, अगर मेरा टॉयस किसी और का, मेरा अगर यहाँ बास्केट पाता, तो यहाँ पे जो भी चीज़ है मुझे कोई ना कोई एक चीज़ लेनी ही पड़ती। समझे, मेरे को यहाँ पे बलून चाहिए 25 रुपीज़, मैं उनको जिसकी शॉप है उसको दूंगा। और ये बलून के ऊपर जैसे कि यहाँ पे एक टोकन रखा हुआ है, ऐसा टोकन मैं उसको दे दूंगा। तो उससे मेरी शॉप को पता चलेगा कि ये सामान बिक चुका है, और जिसने लिया है उसके ऐसे रिकॉर्ड रहेगा कि यह सामान मेरे पास है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है कभी, क्या आप चांस आपकी ऐसी आती है कि 2 पे आप यहाँ पे भी आते हो तो आपको इस दुकान से ख़रीदना पड़ा, यहाँ पे भी आते हो तो कुछ दुकान से खरीदना पड़ा, और यहाँ पे भी आते हो ख़रीदना पड़ता है, मिनिमम आपको 1 सामान खरीदना ही पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं 50 रुपीज़ टू बैंक, 20 रुपीज़ टू बैंक, जो हम देखते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है 50 रुपीज़ टू पे बैंक, यहाँ पे लिखा है कलेक्ट 100 रुपीज़ फ्रॉम बैंक, ये दोनों। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, दोस्तों मैं आगे बताया था कि इसमें आपको क्या क्या नोट्स मिलने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं इस साइड खोलता हूँ, मुझे काफ़ी सारे नोट्स मिल रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे मेरे पास 5K, 10K, 20K, 50K, 100K और 500K नोट है मेरे पास। दोस्तों, जैसे कि आपको करना कुछ ऐसा है कि हर एक प्लेयर को 5 के नोट देना है, 10 के नोट आपको 3 देने हैं, 20 के नोट भी आपको 3 देने हैं, 50 के नोट आपको 2 देने हैं, 100 के नोट भी आपको 2 देने हैं, 500 का नोट 1 देना है। तो दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूँगा उसको खेलना के लिए। दोस्तों, ये जिसको वहाँ पर लिखा हुआ है कि 7+ और 3 साल के बच्चों के से इनको दूर रखिए, क्योंकि ये जो कार्डबोर्ड के पीस हैं वो तो इन्हें मुंह में ले सकते हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है, और आप भी इसे ज़रूर परचेज कीजिएगा, और ये काफ़ी नया और अच्छा गेम है। बाय बाय, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, प्रेस करें बेल आइकन।